हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आपको एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। जैसे हम लोग परसों की क्लास से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों ने समझा, फिर रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों ने समझा, फिर पैरेललोग्राम के बारे में समझा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ स्क्वायर के बारे में या वर्ग के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछली दो क्लास से समझते आ रहे हैं, सेम लगभग और लगभग वही पॉइंट्स हैं, लगभग वही पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को मैं फटाफट थोड़ा सा जल्दी लेकर, जो भी अपने पास 10 या 11 पॉइंट हैं उनको फटाफट रिवाइज करवाता हूँ, और फिर हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पहले वाली चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स अगर इक्वल हों और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स हो, चारों बराबर हों और चारों अगर 90 डिग्री हो, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर या वर्ग के बारे में। स्क्वायर या वर्ग, ऐसी कोई भी आकृति, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल आपको पता है होता क्या है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ध्यान रखना, पहला पॉइंट जैसा हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, इसके दोनों डायगनल्स अपने पास, सबसे पहली प्रॉपर्टी में डायगनल्स की बराबर बताता हूँ। जैसे पिछले 2 दिन से आप लोगों की इसकी हैबिट हुई होगी, D1 बराबर D2 है, और इसी के साथ दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पिछले दो पॉइंट जो मैंने पढ़ाए कल और परसों इवनिंग में आपने देखा होगा, शाम को 6 बजे मैं वीडियोज़ आपके लिए डालता हूँ, आपने वो देख लिया होगा। तो यहाँ पर दोनों डायगनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण क्यों बनाते हैं, देखिए, ये डायगनल, ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर ए है, तो डायगनल की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से √2 × a। इसका ज्योमेट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंचुरेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डायगनल का जो फॉर्मूला हुआ इसका, वो हुआ √2 × a, चाहे इधर वाला डायगनल निकाल लो, √2 × a। अभी तक 90 डिग्री क्यों नहीं हो रहे थे, अब की बार ये दोनों डायगनल्स जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री क्यों हुआ, मैं बताता हूँ। देखो, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, क्यों? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण इसलिए बनता है क्योंकि अब की बार ये साइड अपने पास इसके बराबर है, ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी, चारों साइड्स बराबर हैं। तो इसको अगर मैं एक बार मिटा दूं, आपको समझाने के लिए, पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ये लिख तो लिया होगा आपने, अगर इसको मैं मिटा दूं तो ध्यान रखना अपने पास दोनों डायगनल्स इक्वल भी होते हैं, 90 डिग्री का कोण इसलिए बनाते हैं, और ध्यान देना ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अब की बार चारों साइड से बराबर हैं, तो ध्यान रखना ये वाला जो एंगल है और 90 डिग्री है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये कोण 45 डिग्री और ये वाला कोण भी 45 डिग्री। ऐसे ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाला कोण 45 डिग्री तो ये वाला कोण 45 डिग्री, ये भी एंगल बाइसेक्टर होता है 45 और 45, और ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, स्क्वायर में जो डायगनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, अभी तक नहीं थे, रेक्टेंगल और मैंने जो पढ़ाया पैरेललोग्राम उसमें नहीं थे, इसमें ध्यान रखना दोनों डायगनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लेना कि एंगल जो होते हैं वो कोण समद्विभाजक भी होते हैं, वहां पर मैंने लिखवाया था कोण समद्विभाजक नहीं होते, अब की बार ध्यान रखना डायगनल्स जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। सेकंड पॉइंट, और ये 45, ये 45, तो ये कोण 90 डिग्री, तो दोनों डायगनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तीसरा जो पॉइंट है मैं साथ साथ ही आपको बताते चलता हूँ, 45 और 45, तो ये इसके बराबर, तो दोनों डायगनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फटाफट आप लोग लिख सकते हो, पूरा लिख लेना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों डायगनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। चार नंबर पॉइंट पर आता हूं मैं, नेक्स्ट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर चार, पॉइंट नंबर चार अपने पास इस प्रकार से है, इसका जो एक विकर्ण होगा स्क्वायर का,
स्क्वायर का एक जो डायगोनल होता है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, अपने पास एक डायगोनल इसके क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, इसके एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है एक विकर्ण। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो एस 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 से सर्वांगसम हो गए। और दो ट्राइंगल अगर सर्वांगसम है, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट अगर हैं, तो उनका सब कुछ बराबर, क्षेत्रफल भी बराबर। दूसरा ध्यान रखना, अगला पॉइंट पाँच नंबर, छोटा सा पॉइंट आप लोग देख सकते हो कि कभी भी दोनों डायगनल्स अगर खींच दिए जाएँ, दोनों विकर्ण अगर खींच दिए जाएँ, दोनों डायगनल्स अगर खींच दिए जाएं, तो अपने पास क्षेत्रफल को चार इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। चार इक्वली पार्ट्स में डिवाइड क्यों करता है, ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो जस्ट मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आसानी से और सब कुछ मैंने बताया कि चार बराबर बराबर भागों में क्यों बांटता है। ये पिछले वाले वीडियो से ही है सेम। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ, ये था अपने पास पॉइंट नंबर पाँच। छः नंबर पॉइंट पर आइए, थोड़ा सा मैं फटाफट ये चीज़ें आप लोगों को सिखा देता हूँ, फटाफट मैं बता देता हूँ, फिर इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि पिछले दो दिन से मैं सेम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो इनको हम लोग फटाफट रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं। कल भी मैंने एक दो क्वेश्चन करवाए थे, परसों भी मैंने तीन चार क्वेश्चंस करवाए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्वेश्चन से पॉइंट्स क्लियर होंगे। ध्यान देना, पॉइंट नंबर छः, ये सभी लोग ध्यान रखना, ये कोई भी स्क्वायर है, ए बी सी और डी, स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता होगा, इसके अंदर कोई पॉइंट है ओ, तो ध्यान रखना अंदर अगर पॉइंट ओ है, इसके अंदर की तरफ पॉइंट कहीं, दोनों डायगनल जहां पर काटते हैं वो वाला पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है इसके अंदर की तरफ अगर ओ है, इस वाले का क्षेत्रफल ए वन है, इस वाले का क्षेत्रफल ए टू है, इसका क्षेत्रफल ए थ्री है और इसका क्षेत्रफल ए फोर है, तो ए वन प्लस ए थ्री का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ए टू प्लस ए फोर के क्षेत्रफल के। आज का वीडियो ये पॉइंट्स आपके क्लियर, ये तो याद करना ही है, पॉइंट्स को तो फटाफट देखते हुए हम लोग चल ही रहे हैं। आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ इसलिए होगा कि आप लोग जो इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे, इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में आपको मैं इस ये जो पॉइंट है ये आपको रेक्टेंगल में भी मैं बता चुका हूँ क्यों होता है, और ये मैं आपको पैरेललोग्राम में भी बता चुका हूँ क्यों होता है, तो वहीं से देखिए ये पॉइंट क्यों होता है। मैं क्यों का जवाब आज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले दो दिन से ये चीज़ें मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर सात, पॉइंट नंबर सात में आप लोगों को पता होगा पॉइंट नंबर जो सात है, ध्यान रखना कोई भी अगर, इसमें दो चीजें ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट अगर इसके अंदर की तरफ है, कोई भी पॉइंट ओ, अंदर हो या बाहर, ऐसे भी हो सकता है, स्क्वायर के कोई भी पॉइंट अंदर भी हो सकता है और कोई पॉइंट बाहर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट ओ, ध्यान रखना इन तीनों से, चारों वर्टिसेज से अगर इस पॉइंट को मिला दिया जाए, यहाँ से इसको भी मिला दें, यहाँ से इसको भी मिला दें, यहाँ से इसको भी मिला दीजिए और यहाँ से इसको भी मिला दीजिए, चाहे अंदर की तरफ पॉइंट हो उससे चारों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, और चाहे बाहर की तरफ पॉइंट हो उससे चारों वर्टिसेज को अगर मिला दिया जाए, चारों वर्टेक्स को अगर मिला दिया जाए, तो ध्यान रखना ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर है ना, बराबर होता है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। मैं फिर समझाता हूँ, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर होता है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के, और ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि होता क्यों है, क्यों अगर आपको जानना है तो मेरा परसों वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है रेक्टेंगल वाला, या तो आपने देख लिया होगा या उसको एक बार आप लोग वापस देख लीजिए, उसमें इसका क्यों का जवाब मिल जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो ये अपने पास पॉइंट जो था वो अपने पास पॉइंट नंबर है सात। अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, पॉइंट नंबर आठ, और ये हर क्वाड्रिलेटरल में पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और ये बार बार आप लोग रिवाइज जब करोगे तो आपको खुद को ये चीज़ें धीरे 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 याद हो जाएंगी, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जब आएंगे उनमें आप लोग अप्रोच लगा पाओगे। आठ नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, जैसा आप लोगों को पहले भी पता है, ये तो मैं हर जो भी अपने पास आएगा, क्वाड्रिलेटरल से मैंने शुरुआत की थी, चतुर्भुज से मैंने शुरुआत की थी, आपका ये क्वेश्चन मैंने चतुर्भुज में भी, जब सभी क्वाड्रिलेटरल में भी, ये रेक्टेंगल में भी मैं आप लोगों को समझाया था, ये वाला जो आप पढ़ाने वाला हूँ ये मैंने पैरेललोग्राम में भी समझाया, और ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर में भी मैं समझा रहा हूँ, और स्क्वायर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर।
स्क्वायर का ये वाला पॉइंट जो है उसको आप लोग थोड़े से अच्छे से समझ लीजिए, ए बी सी और डी। ध्यान रखना आप लोग, कोई भी अपने पास चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर, जैसे क्वेश्चंस में दो तीन दिन से करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो अपने पास स्क्वायर के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी, तो इससे बनी आकृति ये होगी, क्या होगी, ये वाला डायगोनल अगर डी है तो एक ट्रायंगल इस साइड बना, एक ट्रायंगल इस साइड बना, तो ये ट्रायंगल जो है त्रिभुज के, ये अपने पास डी था तो ये भी डी बाई टू होगा। ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होगी और उसके पैरेलल भी होगी। दूसरा विकर्ण क्या डी होगा या डी टू होगा, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, जो भी पूछा जाए जहाँ पर आप लोग बैठे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, साथ साथ हाँ ना आप लोग ये बोलते रहिए। यहाँ से यहाँ तक अपने पास ये अपने पास डी है तो ये भी अपने पास डी बाई टू होगा और पैरेलल भी होगा इसके, और ये इधर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ डी ए बी की तो ये भी अपने पास डी बाई टू होगा, या कोई भी वैल्यू मान लेना, ये रेड वाला 10 मानो तो 5 और 5, ये भी 10 होगा तो ये 5 और 5, चारों साइड बराबर हैं और चारों साइड बराबर होते हैं, आपके दिमाग में आएगा या तो रोम्बस होगा या अपने पास स्क्वायर होगा, चारों साइड बराबर या तो स्क्वायर में होंगी या रोम्बस में होंगी। रोम्बस जो है वो अगली क्लास में कल इवनिंग में आप लोगों को मिलेगा, आज शाम को सिर्फ आप लोग स्क्वायर के बारे में ही पढ़िए। देखिए चारों साइड बराबर तो स्क्वायर भी हो सकता है, पी क्यू आर एस स्क्वायर भी रोम्बस भी। मुझे ये बताइए क्या सबसे पहले मैंने बताया क्या कि स्क्वायर के दोनों डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, स्क्वायर के दोनों डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को सिखाया है, ऐसा मैंने आपको बताया है। और दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हों तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 90 है और लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये भी 90 होगा। ऐसे ही दोनों लाइन ये वाली भी अपने पास पैरेलल हैं, रेड वाली लाइन ये और ये पैरेलल हैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और किसी भी चतुर्भुज के तीन कोण अगर 90 डिग्री हैं तो चौथा भी अपने पास राइट एंगल होगा, राइट एंगल है। ये भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ये भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, समकोण 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 प्रूव कर सकते हैं, अगर चारों साइड बराबर और प्रत्येक एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप लोग जहाँ पर बैठे हो खुद ही बताओ स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, वर्ग होगा या सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज में चारों साइड एंगल 90 डिग्री नहीं होते, स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो मिड पॉइंट को मिलाने पर ये जो बनेगा ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने पर हमेशा स्क्वायर बनता है, हमेशा वर्ग बनता है, ये आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 8, अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर ये अपने पास हो चुका है 8 नंबर, अगला पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ 9 नंबर, जो आप लोगों को पता होगा मैं हर उसमें वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ पिछले दो तीन दिन से। ध्यान रखना किसी भी साइड को लेकर, जरूरी नहीं वो मिड पॉइंट, किसी भी एक कंप्लीट साइड को लेकर दूसरे के अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल के क्षेत्रफल का हाफ होगा, चाहे किधर से भी आप ले लो, किधर से भी ले लीजिए। हाफ क्यों होगा, क्योंकि इसका अपने पास साइड अगर ए है, चाहे इधर वाला ले सकते हो, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो टोटल का हमेशा हाफ होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ये ऊपर से भी आप लोग ले सकते हो किसी स्क्वायर में, इसका जो एरिया होगा वो टोटल का हाफ होगा। क्यों होगा ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, आसान है, यहाँ भी बता देता हूँ। स्क्वायर का एरिया तो होगा ए स्क्वायर और ये हाइट इसकी ए के बराबर होगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए, बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए स्क्वायर। तो अगला पॉइंट 9 नंबर पॉइंट, अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट नंबर 10। देखिए आप क्वेश्चंस करते हैं, एक दो पॉइंट और ये जो बचे हुए हैं वो मैं बता देता हूँ और फिर उस इसके कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, और जैसे ही मैं क्वेश्चन दूँ आप लोग खुद भी करने की कोशिश करना, और जो इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मेंस में 2017 मेंस में आए थे वो क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ, आप लोग खुद भी करना कोशिश करना करने की, है ना। अगला पॉइंट 10 नंबर मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट नंबर 10। इसमें हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आज की क्लास में फास्ट ले रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट को लगे कि सर ये आप लोग थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो मेरे जो दो पिछले वीडियोस, तीन जो मैंने डाले हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए, उनको देखिए, उनमें धीरे धीरे आराम आराम से सब कुछ प्रूव करके मैंने बताया। तो आज की क्लास स्क्वायर और कल की क्लास रोम्बस, थोड़े से इनमें क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, जहाँ पर थ्योरी कम फास्ट ले लूँगा वहाँ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा, और जहाँ पर क्वेश्चन हम लोग कम करेंगे वहाँ थ्योरी थोड़ी ज़्यादा होगी, और फिर बाद में तो पता ही आपको क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे।
इसका अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए और इसको यहाँ से इसको मिला दिया जाए और इस प्रकार से ये ये और ये तीनों हमेशा बराबर होती हैं, हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ और पिछले वीडियो में मैं समझा भी चुका हूँ कि ये बराबर क्यों होता है। अगला जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 11, वो पॉइंट नंबर 11, वो इस प्रकार से ध्यान रखना, इसके अगर दोनों डायगनल्स के मिड पॉइंट्स को, यहाँ इसका मिड पॉइंट है ये ए बी सी और डी, ये ओ पर मिल रहे हैं और ए ओ का मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर है और इसका मिड पॉइंट एस है। पी क्यू आर एस को मिलाने पर ये जो बना अपने पास, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, ये जो अंदर वाला है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल और टोटल के भाग का कभी कभार रेशियो पूछ लेता है। तो ध्यान रखना हम लोग सिर्फ इसी की बात करें, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करें, पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल तो होती है 1:1, तो छोटे वाले की साइड अगर एक है तो बड़े वाले की साइड होगी 2, तो जो साइड का रेशियो है वो 1:2 है, तो जो एरिया का रेशियो होगा अपने पास वो होगा 1:4, तो इसका क्षेत्रफल अगर एक है, टोटल का 4 है तो इसका बचा 3, तो ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल अगर एक है तो ये बचा 3, ये एक होगा एक होगा एक होगा, तो शेडेड पार्ट का एरिया तो आ गया 4 और जो शेडेड पार्ट नहीं है 3 3 3, इसका क्षेत्रफल आ गया 12, तो अपने पास 3 3 3, तो रेशियो वही होना है अपने पास 1:3, क्योंकि इसको भी हमने 4 से गुना किया है, इसको भी 4 से गुना किया, तो रेशियो अपने पास यही होगा 1:3। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनको समझते हैं। ये 11 पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उससे पिछले में भी बताया था, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना सा होगा कि यहाँ पर जो अपने पास डायगोनल होता है वो साथ एंगल बाइसेक्टर होता है, सिर्फ आप लोग इतनी सी बात ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, आपके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी मेंस 2017 में आया है। पहले मैं 2 या 3 क्वेश्चंस वो करवाऊंगा जो 2017 मेंस में आए हैं, फिर उससे थोड़ा सा और ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस इसमें कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में थ्योरी हम लोगों ने थोड़ी सी जल्दी पढ़ी है, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर पाएंगे वो आप लोग सीखना। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप लोग पढ़ सकते हो। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जो इसके अंदर एक वर्ग है, पी क्यू को बिंदु वाई तक बढ़ाया गया और वर्त वाई से आर पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक टेंजेंट खींची गई है, इस प्रकार से ये एक स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन में इसने साफ साफ बोला है कि ये एक टेंजेंट है, ये एक स्पर्श रेखा है। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। रेडियस 4 सेंटीमीटर, पी क्यू इज प्रोड्यूस टिल पॉइंट वाई, फ्रॉम वाई ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्किल एट पॉइंट आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस वाई, हमें एस वाई की लंबाई पूछी गई है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, 17 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे प्रोवाइड होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे आप लोगों को मिलेंगे, आए हुए क्वेश्चंस कैसे आप लोगों को मिलेंगे, वो हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अनुसार आप लोगों को मैं एक वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस ओनली, ये तो आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो 150 या 200 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्लास में, वो क्वेश्चंस भी आपको पहले ही प्रोवाइड हो जाएंगे और फिर मैं उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप लोग उनको देखते रहना कि क्या तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिए ये इस प्रकार से अपने पास है, ये पी क्यू आर एस एक सर्किल के अंदर स्क्वायर है, पी क्यू आर और एस, ये पी है, ये क्यू है, आर है और एस है, इसको आगे बढ़ाया हम लोगों ने पॉइंट वाई तक और यहाँ पर एक टेंजेंट डाली जो इसको वाई पर मिल रही है और इसकी रेडियस है अपने पास 4। ध्यान रखना सर्किल पढ़ाते टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। 17 मेंस का पेपर आप लोगों को लग रहा था बहुत हार्ड है, कंप्लीट मैं आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूं, 17 मेंस के जितने भी पेपर हुए थे वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो अभी ज्योमेट्री चल रही है, स्क्वायर चल रहा है, तो उसका कोई क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये अपने पास रेडियस 4 है तो ये आ गया 8 और हमें पता है किसी भी स्क्वायर के डायगनल का जो फॉर्मूला होता है वो √2 × साइड, थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, √2 × साइड बराबर 8 है तो साइड आएगी 4√2,
साइड यहाँ पर फोर रूट टू आ गई है, इसकी जो साइड आई वो फोर रूट टू, ध्यान देना साइड आ गई है फोर रूट टू, क्योंकि हमें एस वाई का लेंथ पूछी है, एस से वाई की लेंथ पूछी है। मुझे बताइए रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और हमें पता है कि स्क्वायर का डायगनल एंगल बाइसेक्टर होता है, इधर वाला 45 है, तो ये इधर वाला जो एंगल होगा ये भी अपने पास होगा 45, ये 90 डिग्री है, आगे की तरफ बढ़ाया तो ये भी 90, तो ये भी 45। और ट्रायंगल में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने की साइड भी बराबर होंगी, फोर रूट टू 45 45, तो ये फोर रूट टू हमारे पास पहले ही आ चुकी है, ये फोर रूट टू, तो अपने पास 45 45, तो ये भी फोर रूट टू होनी है। और मुझे बताइए ये राइट एंगल है, हमें एस वाई की लेंथ अगर पूछी गई है, एस से वाई की लेंथ अगर पूछी है हम लोगों को, ये तो मैंने कंप्लीट लिख दिया, आपको पता होना चाहिए डायगोनल अगर 8 है तो साइड होगी फोर रूट टू 90 डिग्री 45, क्योंकि डायगोनल का एंगल बाइसेक्टर जो होता है, डायगोनल जो होता है वो स्क्वायर में एंगल बाइसेक्टर 45 45, तो 90 45, फोर रूट टू, तो फोर रूट टू। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एस पी वाई की दो साइड 8√2 और ये 4√2, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या एस वाई का मान निकाल सकते हो, क्या एस वाई की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो, इसका 8√2 का स्क्वायर करोगे, 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर अपने पास हो गया 64, तो ये तो आ जाएगा 128, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 32, बराबर आएगा एस वाई का स्क्वायर, तो एस वाई की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी रूट में 160 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 × 16 × 10, तो 16 का √4, तो 4√10, ये अपना आंसर है, ऑप्शन में भी था, आप लोग आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा था पहला क्वेश्चन, आइए दूसरा एक एसएससी मेंस 2017 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं और देखते हैं। अभी देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो एसएससी मेंस में ही आया हुआ है, और मेंस में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आसान आए थे। कुछ लोगों ने क्या किया कि ट्राइंगल जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में सी एंड डी के फॉर्मूले पर उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो पेपर हार्ड बन गया। जब आप लोगों ने मेंचुरेशन अगर डीप से पढ़ा ही नहीं, और आप अगला जो चैप्टर है ज्योमेट्री के तुरंत बाद में मेंचुरेशन ही शुरुआत करूंगा, और 2017 मेंस के जो बैचेज में ले रहा था उसमें भी मैंने उतना ही डीप से पढ़ाया था जितना आपको उतना ही डीप से पढ़ाऊंगा, तो उतना डीप से अगर पढ़ते तो आप लोगों को पता लगता कि हाँ इतना बेसिक से पढ़ा हुआ है तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो उनके थोड़े बेसिक से या जो नहीं पढ़े थे वो क्वेश्चन आपके सामने आ गए, लेकिन ज्योमेट्री बहुत आसान आई थी। दूसरा क्वेश्चन ये वाला था, इन द गिवन फिगर एम एन ओ पी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, वाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल। दी गई आकृति में एन ओ पी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और ये हम लोगों को ऑप्शन दे दिए। जब आप लोगों ने प्रैक्टिस ही इससे की, प्रैक्टिस की अंदर की तरफ स्क्वायर आ जाए, बाहर की तरफ स्क्वायर आ जाए, अंदर ऐसे स्क्वायर आ जाए, या बाहर की तरफ स्क्वायर आ जाए, उन लोग इनकी तो आपने क्वेश्चंस कर लिए, और ये क्वेश्चन ही नहीं किए, क्वेश्चंस थे आसान, और जब नया क्वेश्चन दिखाई दिया आप लोग तुरंत घबरा गए, और आपको लगा कि ये क्या हो गया, क्वेश्चन तो हार्ड आ रहा है, 17 वाले ही बच्चों ने एक बार फैलाना शुरू कर दिया कि बहुत हार्ड पेपर आ रहा, तो आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया। बाकी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा, बहुत आसान थे। देखिए ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, कोशिश करना समझने की। ये ऑप्शंस दिए हुए हम लोगों को, यहाँ पर इसकी रेडियस अगर अपने पास दी हुई है 6, इसकी रेडियस अगर 6 दी हुई है और ये इसका सेंटर है, सॉरी रेडियस 6 नहीं है, साइड 6 दी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ये इसकी रेडियस मान लो r है, और ये अपने पास दिया हुआ था 6, तो यहाँ तक अपने पास ये जो होगी ये इसकी रेडियस r होगी, इधर वाला r है तो ये बचा 6 − r, और ये अपने पास इसकी आपको सर्किल में मैं समझाऊंगा, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालें तो वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, तो ये अपने पास 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, स्क्वायर का क्वेश्चन और सर्किल का क्वेश्चन साथ है, सर्किल में अगले पॉइंट में समझाऊंगा। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये अपने पास आर 3 का स्क्वायर प्लस 6 − r² इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको सोल्व करना था, 9 + 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 r इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये कट गया अपने पास, 12 r बराबर अपने पास अगर 45 बचा तो बताओ r बराबर अपने पास 3 × 4 = 3 × 15 15/4 का मतलब 3 × 3/4 और 3 × 3/4 का मतलब ये रहा ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान, टोटल 6 दिया हुआ है, इधर वाला r तो 6 − r,
ये सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालें तो वो हमेशा मिड पॉइंट, तो 6 था तो 3, और ये आर मान लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया दूसरा क्वेश्चन। आइए एक एसएससी मेंस में आया हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा थोड़े से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो ये भी अपने पास मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 17 मेंस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन पहले जो एक स्क्वायर का सर्किल में अच्छा क्वेश्चन आया था वो करवाता हूँ, और फिर दो क्वेश्चन आपको और थोड़े अलग टाइप के कैसे आप लोग सोल्व करोगे उसको मैं आपको करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, दी गई आकृति इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन पढ़ लिया करो आप लोग, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी पी प्लस पी सी। हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, और ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। देखो अगर आप लोग 2017 मेंस के बैच में थे, कहीं भी आप लोग पढ़ रहे थे, जरूरी नहीं मेरी क्लास में थे, कहीं भी अगर आप लोग पढ़ रहे थे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में एक पॉइंट सीखा होगा, हर फैकल्टी ये बताता ही आपको। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, मिनिमम वैल्यू अगर कभी भी निकालनी है, क्योंकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री में दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ाते हैं, सभी लोग ही पढ़ाते हैं, कि अपने पास अक्स इंटू वाई बराबर 64 है, अक्स इंटू वाई बराबर 64 है, तो अक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बताइए, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू। अगर सम में हम लोगों को बी पी प्लस पी सी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो सम में अगर कभी भी मिनिमम वैल्यू पूछे तो देखो ऐसा हो सकता है कि आप लोग इसको 64 और इसको 1 मान लीजिए, ये 32 और 2 हो सकता है, ये अपने पास 16 और 4 हो सकता है, ये अपने पास 8 और 8 हो सकता है, या इनका उल्टा, ये एक ले लो ये 64, ये 2 ले लो और ये अपने पास 32, ये 4 और 16, 8 और 8, इनको ऐड करो 65, इनको ऐड करो 34, इनको ऐड कीजिए 20 और इनको ऐड करो 64, ध्यान रखना इनको ऐड करो 16। मिनिमम मुझे बताओ एडिशन में मिनिमम कब आया, जब अपने पास दोनों की बराबर बराबर वैल्यू ली, तो दोनों को आप लोग बराबर बराबर रख लीजिए, बस ऐड में मिनिमम तभी आएगा जब दोनों की बराबर बराबर वैल्यू रखोगे। तो ये 4 है तो इसको 2 मान लीजिए, और ये 2 ये 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा रूट 20, रूट 20 का मतलब अपने पास हो गया, रूट 20 का मतलब 2 रूट 5, तो ये भी 2 रूट 5, 4 और 2 है तो ये भी 2 रूट 5, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 4 रूट 5, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन, ये वैसे ज्योमेट्री और अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये पॉइंट अगर आपको याद है ना, तो 3 क्वेश्चन करवाए, मुझे बताओ तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हार्ड था क्या या टफ था क्या, क्वेश्चन वैसे ही आने हैं जैसे आप लोग जिस, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों पर कि आप लोग किस स्टैंडर्ड से पढ़े हो। अगला क्वेश्चन मैं फिर करवाता हूँ, ध्यान दीजिए, उसको मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इस प्रकार से अगर कभी भी है, ऐसे कोई भी स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ये अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, और इसने इस प्रकार से दिया हम लोगों को, ये 12 है, ये 3 है और ये अपने पास दिया हुआ है 9। ये कहीं पर देखा था मैंने क्वेश्चन, 12, 3 और 9 इस प्रकार से दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा है कि साइड बताइए, साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या होगी, और ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 16, 19 और 20, ऑप्शन जो हैं वो 15, 16, 19 और 20 इस प्रकार से दिए हुए हैं ए बी सी और डी। तो कैसे करोगे आप लोग, इस प्रकार से दिया हुआ है 12, फिर 90 डिग्री का कोण 3 और फिर 9, देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये होगा कि अपने पास यहाँ से इसको आप लोग अलग से, ऑप्शन तो यही आपने लिख लिए होंगे, और जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को हमेशा करने की कोशिश किया करो। तो देखो मैं बनाता हूँ, ये पॉइंट मान लो पी है और ये पॉइंट मान लो क्यू है, मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको, ये 12 था, ये 3 था और ये 9 है, हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं लेंथ निकाल लूँ, ये लेंथ अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ डी से बी से डी तक की, तो ये लेंथ अगर हम फाइंड आउट कर लें तो आप लोगों के पास डायगोनल आ जाएगा, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट 2 इंटू साइड बराबर डायगोनल, ये उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ध्यान रखना इस, ये अगर कोण 90 डिग्री है और ये अगर कोण 90 डिग्री है, अगर ये राइट एंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से उठाकर इस पर यहाँ ले आओ,
देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन है आसान। 12 यहाँ तक, आगे 9, और इस 3 को उठाकर यहाँ पर ले जाओ, ये राइट एंगल इस प्रकार से। तो मुझे ये बताइए, 12 प्लस 9 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 12 और 9 21 का स्क्वायर 441, 3 का स्क्वायर 9, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 450, और 450 को 2 इंटू हम लोग 225 लिख सकते हैं, और रूट 15 गुना 2 रूट, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू रूट 2। तो डायगोनल की जो वैल्यू, रेड जो हमारे पास डायगोनल की वैल्यू जो आ गई यहाँ से, ये अपने पास पॉइंट मान लो डी है और ये पॉइंट बी है, ये 15 रूट 2 आ गया। तो इसकी जो साइड होगी यहाँ पर डायगोनल की जगह रूट 2 इंटू साइड बराबर 15 रूट 2 आया, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो साइड आ गया अपने पास 15, और ऑप्शन था ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चलता है तो। देखो मैं फिर समझाता हूँ, एक क्वेश्चन और समझिए आप लोग। फिर से समझिए एक क्वेश्चन, इस प्रकार से कोई भी एक स्क्वायर है, ये पॉइंट है ए बी सी और डी, एक पॉइंट है यहां पर पी जो इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहां से एक पॉइंट है जो इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये इस प्रकार से मिला दिया, ये रेशियो अपने पास 1:3 है, और इसने कहा कि ये जो शेडेड पार्ट है नीचे वाला, ये जो पार्ट है ये वाला, इसका क्षेत्रफल टोटल का कितना भाग होगा। ये इस प्रकार से 1:3 का रेशियो मिला दिया, और हम लोगों को कहा कि इसका जो भाग होगा वो टोटल का कितना भाग होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है अपने पास, ये टोटल सेम क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, और ये और ये बराबर हैं, एक स्क्वायर है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, ये तीनों इक्वल हैं तो इसका क्षेत्रफल टोटल का कितना भाग होगा, ऐसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट और बेस क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बताया है और मैंने आप लोगों को सिखाया है, हमेशा ध्यान रखना दो लाइन अगर पैरेलल हों, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल होंगे, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसको इससे मिला, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो मिलाते ही सिमिलर हो गए, तो स्क्वायर था तो ये और ये दोनों पैरेलल हो गई। इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये टोटल 4 है तो ये भी अपने पास 4 होगी, और अपने पास इसकी जो साइड अपने पास 4। मुझे बताइए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनका बेस अपने पास सेम होगा, इसकी यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट 4x, इसको आप लोग 4x मान लीजिए, है ना, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक अगर 4h होगी, रेशियो सेम होता है, रेशियो 1:4 का रेशियो है तो हाइट भी यही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा एच, रेशियो सेम होगा, दो ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये एच और ये 4h, तो इसको मान सकते हो आप लोग 5h। इसका बेस ये भी अपने पास कितना आ जाएगा 5h, एच की फॉर्म में अगर मानो तो, क्योंकि 5h आ गया तो ये भी 5h। तो आप लोग मुझे बताइए, इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछ सकता है या टोटल के साथ इसका एरिया पूछ सकता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू, बेस तो 5h है और हाइट इसका 4h है, और कंप्लीट का जो एरिया होगा वो 25h2। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 2 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 5 बार, तो इसका क्षेत्रफल क्या टोटल का 2/5 होगा क्या, इस वाले भाग का क्षेत्रफल टोटल का 2/5 होगा। इनके एरिया का रेशियो पूछे तो वो तो अपने पास साइड का रेशियो अगर 1:4 है तो एरिया का रेशियो होगा 1:16, ये आपको पता होगा। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और अगर अपने पास इसकी साइड 1 है और इसकी साइड अगर 4 है, सिमिलर क्यों है याद रखना, सिमिलरिटी पढ़ो या ये याद रखो कि दो लाइन पैरेलल होते हैं, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल हमेशा सिमिलर हो जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो एरिया साइड का रेशियो 1:4, ये 4 था यहाँ से यहाँ तक साइड 4, तो एरिया का रेशियो साइड का रेशियो अगर 1:4 है और ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो होगा 1:16। एक क्वेश्चन जो आपने कई बार देखा होगा, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, कोई इसको कोसाइन रूल से करवाता है, कोई इसको कैसे भी करवाता है, कोई कैसे करवाता है, वो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था जो मैं अगला करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए।
तो यहाँ पर इस प्रकार से था, एक क्वाड्रेंट सर्किल में, और आपने देखा भी होगा ये इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वाड्रेंट सर्किल में एक स्क्वायर की दो साइड तो यहाँ से इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, दो साइड सॉरी यहाँ पर दो जो साइड हैं अपने पास वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और दो जो हैं अपने पास यहाँ से इस प्रकार से हैं, दो वर्टिसेस यहाँ से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं और दो वर्टिसेस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं। इस स्क्वायर की साइड अगर एक्स हो, इस स्क्वायर की साइड अगर एक्स हो, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से क्वार्टर सर्किल में, क्वाड्रेंट सर्किल में, 1/4 सर्किल में एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके दो वर्टिसेस तो उसकी रेडियस पर हैं और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, बची हुई दो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हैं, तो आप लोग यहाँ से इसकी रेडियस फाइंड आउट कीजिए। कैसे निकालेंगे? ये अगर एक्स होगा और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर अगर हैं, तो अपने पास ये आपको पता होगा कि ये ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो साइड आ जाएगी एक्स बाई रूट टू, और ये वाली साइड भी आ जाएगी एक्स बाई रूट टू, और ये कोण होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये 90 है। यहाँ से अगर हम लोग इसका डायगोनल मिला दें, तो आपको पता होगा कि डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट टू इंटू साइड। साइड अगर एक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 45 डिग्री, और मैं बता चुका हूँ स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। तो ये ओ मान लो, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, 45 और 45, ये कोण क्या 90 डिग्री हो गया। क्या 90 डिग्री हो गया, तो हमें रेडियस यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, या यहाँ तक निकाल लो, या यहाँ तक निकाल लो। तो हम लोग ये रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ओ से पी तक, ओ से क्यू तक। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसको आर मान लो, तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, रूट टू है ना, ये रूट टू है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, रूट टू का स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बराबर 5/2 एक्स स्क्वायर है, तो आर का जो मान आ जाएगा √5/√2 × x, ये अपना आंसर है। तीन स्टेप का आंसर है अगर थोड़ा सा आप लोग ठीक ठाक और सही तरीके से करोगे तो। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ थ्योरी की। अगर आप लोगों को, जहाँ पर भी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में अगर ऐसा ऐसी फीलिंग आती है कि सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं और पूरा बेसिक के साथ पढ़ा रहे हैं, तो वीडियोस को आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट तो आप लोग करोगे ही करोगे। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।